हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम राहुल वर्मा है और मैं www.barbersupply.in का कोफाउंडर हूं। आज हम जो रिव्यू करेंगे इस चेयर के बारे में रिव्यू करेंगे। ये हाइड्रोलिक चेयर है और इसको हम कैसे असेंबल किया जाता है और कैसे क्या क्या इसके फीचर्स हैं, इसके बारे में सारी जानकारी हम लेंगे। ये जो चेयर आप देख रहे हैं दोस्तों, ये कई सारे डिजाइन में आती है, लेकिन इसको जो असेंबल करना होता है वो सबका सेम ही तरीका है असेंबल करने का। कोई इसके जो हैंडल्स हैं, हैंडल के अलग अलग डिजाइन आते हैं। ये जो आप देख रहे हैं दोस्तों, इसको कहते हैं डायमंड चेयर। ठीक है, इसमें ये आप देख रहे हैं साइड में डायमंड लगे हुए हैं, इसको डायमंड चेयर बोला जाता है। इसी में अलग अलग तरीके का एक हैंडल आता है रॉयल गैलेक्सी के नाम से, दूसरा आता है डी हैंडल, तीसरा आता है कैमरा हैंडल। तो ऐसे काफी सारे इसमें डिजाइन आते हैं, बट सबका असेंबल करने का तरीका सेम है। देखिए दोस्तों, जब भी आप हमारी वेबसाइट से कोई भी चेयर ऑर्डर करेंगे तो तीन लेयर्स में पैक करके होकर के आती है। पहली लेयर में आपका वो पॉली प्रोपाइलिन बैग जो होता है, उसकी शीट से आप जैसे कि राइट हैंड साइड पे देख सकते हैं, इस तरीके से पैक होकर के आएगी। और ये पहली जो लेयर है इसमें पॉली प्रोपाइलिन जो फैब्रिक है उसमें पैक होकर के आएगी, जिससे कि वो आपका जो है वाटर रेसिस्टेंट ये रहेगा। आपका जो जो भी बैग ऑर्डर रहेगा वो वहां से वाटर रेसिस्टेंट रहेगा। उसके बाद सेकंड लेयर रहती है ग्रास की, घास से भरा हुआ होता है, वो सूखी घास होती है, जो उसको एक कुशनिंग इफेक्ट होता है जिससे कि उसमें कोई भी टूट फूट ना हो। उसके बाद तीसरी लेयर जो होती है वो ऐसे कार्टून के अंदर आपका पूरा का पूरा सामान आता है। इस कार्टून के अंदर पूरा आपको सामान मिलेगा ये। चलिए दोस्तों, तो क्या करते हैं, अब इसको स्टार्ट करते हैं, इसको ओपन करके देखते हैं इसके अंदर हम क्या क्या आपको भेजते हैं और इसको असेंबल कैसे करना है। चलिए दोस्तों, तो देखते हैं इसको खोल के इसके अंदर क्या क्या आता है। देखिए ये कार्टून है आपका, इस तरीके से पैक होके आएगा। ये देखिए दोस्तों, ये आपकी चेयर है। आपको विश्वास नहीं हो रहा होगा कि इतने से कार्टून में पूरी इतनी बड़ी चेयर कैसे आ सकती है, लेकिन मैं आपको दिखाऊंगा इसके अंदर कैसे पैक होकर के आती है। देखिए दोस्तों, ये आया इसका बेस। इसके अंदर भी आप जैसे देख सकते हैं कि कितना सारा कुशनिंग इफेक्ट के लिए, कि टूटे फूटे ना चीजें अंदर, उसके लिए हमने इतना ढेर सारा फोम डाल रखा है। देखिए दोस्तों, जो पार्सल आएगा आपको इस तरीके से पैकेजिंग में आएगा, जैसे कि आप देख रहे हैं छह पार्ट्स आएंगे, इस तरीके से पैकेज होकर के आते हैं। तो इस छह पार्ट्स में आपको क्या क्या मिलेगा साथ में मैं बता देता हूँ। पहला ये पैडल है, ठीक है, ये हाइड्रोलिक पंप जो ये रखा है इसके अंदर आएगा। इसके साथ में इसके स्क्रू भी है, जो मैं जब असेंबल करूंगा तब उसको शो करूंगा। ये आपका हाइड्रोलिक पंप है, ये आपका साथ में जो है ये आपका बेस है, ये इसका हेडरेस्ट है, डिटैचेबल हेडरेस्ट है, ठीक है। ये आपका बैक सीट है, बैकरेस्ट, ये भी डिटैचेबल होती है। और ये आपका मेन सोफा है, मेन चेयर है। और अब हम आपको दिखाएंगे इसको कैसे असेंबल। देखते हैं इसको स्टेप बाय स्टेप कैसे आपको चेयर को असेंबल करना है। तो सबसे पहले स्टेप में हम क्या सीखेंगे कि इसमें हम देखेंगे कि इसको इससे कैसे अटैच करना है। उसके लिए हमें तीन चीजें चाहिए, ये हाइड्रोलिक पंप चाहिए, ये स्टील का बेस चाहिए, और साथ में हमें ये पैडल चाहिए, और इसको इससे अटैच करने के लिए स्क्रू चाहिए। तो अक्सर क्या होता है कि जब भी हम किसी कस्टमर को भेजते हैं तो पूछते हैं कि भैया आपने स्क्रू नहीं भेजे या स्क्रू मिसिंग है। तो स्क्रू जो है हमेशा आपको इस जगह पे बंधे हुए इस पन्नी में मिलेंगे आपको हमेशा। जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूं कहां पे ये बंधे हुए हैं, ये देखिए। देखिए दोस्तों, ये स्क्रू है, ये इसमें लगे हुए थे, मैंने आपको जो दिखाए छह स्क्रू आते हैं इसमें। और अब इसको हम इसमें सेट करते हैं किस तरीके से सेट किया जाता है। तो सबसे पहले आपको इसको लेना है, इसको इस तरीके से रखना है उल्टा, साथ में आपको ये बेस लेना है, बेस को आपको इसके ऊपर सेट करना है, ठीक है। इसके बाद आपको ये स्क्रू लेने हैं और इजीली इसको सिंपल से इसमें लगा देना है।
देखिए दोस्तों, ये हमने 6 के 6 स्क्रू इसमें कस दिए हैं हाथ से। इसके बाद एक ये एलन की आती है, इसको आपको इससे टाइट कर देना है। 6 के 6 स्क्रू को सबको टाइट करेंगे इससे। इसको असेंबल करना कोई बड़ी बात नहीं है दोस्तों, कोई भी इसमें घर में कोई भी इसको असेंबल कर सकता है। ये देखिए दोस्तों, ये आपका हाइड्रोलिक पंप जो है इसके अंदर अटैच हो गया है। अब इसके दोस्तों फर्स्ट स्टेप में हमने इसको हाइड्रोलिक पंप को बेस से हमने अटैच करना सीख लिया। अब नेक्स्ट सेकेंड स्टेप है, ये पैडल है, इसको हमें इससे अटैच करना है। तो इसको अटैच करने के लिए हमें इसको अपने लेफ्ट हैंड साइड से अटैच करना है, ठीक है। अगर आप दोस्तों इसको इस साइड से उल्टी साइड से राइट हैंड साइड से अगर इसको अटैच करेंगे तो ये काम नहीं करेगा, इसको हमेशा अपने लेफ्ट हैंड साइड से ही अटैच करना है। तो ये इसमें दो ऐसे छेद दिए हुए हैं, एक इस साइड दे रखा है और दूसरा इस साइड दे रखा है। तो इसमें लगाते हैं, इसमें जस्ट इसको आपको इस तरीके से लगा देना है, ठीक है। थर्ड स्टेप में हमें क्या करना है, ये हेडरेस्ट है, इसको हमें सोफे से अटैच करना है दोस्तों। ये थर्ड स्टेप, ये हो गया अटैच, और हेडरेस्ट को भी हमें इसमें अटैच करना है। ये आपका सोफा रेडी हो गया, थर्ड स्टेप आपका कंप्लीट हो गया। चलिए दोस्तों, हमने देखा कि तीसरे स्टेप तक हमने देख लिया कि इसको किस तरीके से हमें अटैच करना है। अब फोर्थ स्टेप बहुत ईजी है, इसको आपको उठाना है अपने सोफे को, और जो इसका ये इसके अंदर आप जैसे देख सकते हैं ऐसा ये एक होल बना हुआ है, और इसको इसमें आपको लगा देना है सिंपली। थोड़ा एडजस्ट हो रहा है। ये देखिए दोस्तों, आपकी चेयर जो है पूरी रेडी है। अब ये फंक्शन क्या क्या करती है, इसके फंक्शंस भी आपको मैं बता देता हूं। देखिए दोस्तों, आपकी जो हाइड्रोलिक चेयर है वो यूज करने के लिए बिल्कुल रेडी है, सिर्फ 4 स्टेप और ये आपकी रेडी है। तो इसके कुछ फीचर्स जो है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये आपका पैडल है, ये आपकी हाइट यहाँ से एडजस्ट होती है। जैसे कि आप देख सकते हैं आपका जो सोफा है ऊपर आ चुका है, अब इसी को हमें नीचे करना है। तो इसके ऊपर जस्ट बैठना है और इसको नीचे की तरफ पुश कर देना है, ये आपकी पूरी नीचे आ गई। अब दूसरा, ये आपकी पूरी 360 डिग्री रिवॉल्विंग होती है, आप इसको पूरा 360 डिग्री रिवॉल्व कर सकते हैं। तीसरा इसका फीचर ये है कि आप इसको दोस्तों रिक्लाइन भी कर सकते हैं। ये देखिए, ये आप जैसे कि देख सकते हैं ये राइट हैंड साइड में इसकी नोब लगी हुई है आपको रिक्लाइन करने के लिए। ये नोब है और इसको हम ऐसे पुल करेंगे और पीछे थोड़ा सा पुश करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हो दोस्तों, ये पूरी नीचे तक लेट जाती है, लगभग 170 डिग्री तक इसमें नीचे आ गए। और इसको वापस ऊपर करना है तो इसको वापस से नोब को खींचना है और ये आपकी चेयर ऊपर अपने आप आ जाएगी। इसके अलावा दोस्तों, अब इसमें जैसे कि आपको बच्चों की हेयर कटिंग करनी है या हेयर कलरिंग करनी है, ठीक है, तो आपको भी इसको भी डिटैच कर सकते हैं। ये डिटैच हो जाएगा पार्ट, तो आप बच्चों की भी कटिंग कर सकते हैं। दूसरा, आपको आईब्रो बनानी है तो इसको डिटैच कर सकते हैं, तो ये आपकी आईब्रो चेयर बन जाएगी, ठीक है दोस्तों। तो ये थे इसके फीचर्स जो मैंने आपको आज बताए। तो अगर आपको इस चेयर को ऑर्डर करना है तो आप हमारी वेबसाइट www.barbersupply.in पर भी ऑर्डर कर सकते हैं। और दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा, हमारी वेबसाइट पर आपको ये जो चेयर आप देख रहे हैं ये बहुत ही रीजनेबल प्राइस पर मिलेगी, और लगभग आपको गारंटी प्राइस, बेस्ट प्राइस गारंटी आपको यहाँ से मिल सकती है, और ऑल ओवर इंडिया जो है आपको बेस्ट प्राइस में मिलेगा। तो इसी तरह की और भी चेयर्स उसमें अवेलेबल है, सारा सलून का सामान आपको वहाँ से बहुत ही अफोर्डेबल और रीजनेबल प्राइस में आपको मिल जाएगा।
दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल यूट्यूब चैनल बार बार सप्लाई को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।